हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है। आज हम फुल डिटेल आपको बताएंगे एनडीए के बारे में। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस नेशनल डिफेंस एकेडमी के इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये एनडीए या एनए क्या होता है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, नेशनलिटी क्या होनी चाहिए और फिजिकल फिटनेस के भी बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको इसमें बताएंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें क्या क्या पैटर्न रहेगा उसका, और साथ में हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे कि इसमें आखिर सिलेबस में पूछा क्या जाएगा। इसमें दो पेपर होते हैं, एक जीएटी और एमएटी, तो दोनों के बारे में बताएंगे कि सिलेबस में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। और उसके साथ ही इसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही हम बताएंगे इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी, कैसे प्लेसमेंट होगा, कितनी पेमेंट मिलेगी, इन सभी के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और फिर आपको बताया जाएगा कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, कब इसका नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। और लास्ट में हम आपकी हेल्प करेंगे कि इस एग्जाम को अगर देना है तो कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए साथ में और देखिए कि शुरू से आखिरी तक आप कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी मिस नहीं हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एनडीए और एनए होता क्या है। ये एनडीए एग्जाम है आपका इंडियन डिफेंस सर्विसेज में एडमिशन के लिए, मतलब आपको किसी भी फोर्स में जाना है, जैसे कि आर्मी है, नेवी है या फिर एयर फोर्स है, इन तीनों में किसी में भी आपको सर्विस करनी है तो उसके लिए यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसको बोलते हैं एनडीए। ये साल में दो बार होता है और ये जो एग्जाम है ये दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में एक रिटन एग्जाम होगा, दूसरे स्टेप में आपका इंटरव्यू होगा, तो उस इंटरव्यू को एसएसबी इंटरव्यू बोलते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति जिसने कि 10+2 का एग्जाम पास कर लिया है या इस साल जो आप एग्जाम जब दे रहे हो एनडीए का उस साल आपने 10+2 दिया है तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हो, मतलब आपको 12वीं पास होना चाहिए। अब इसमें एक कंडीशन है, अगर आपको सिर्फ आर्मी में जाना है तो आपको किसी भी स्ट्रीम से 10+2 होना चाहिए। तो आपने अगर आर्ट्स लिया है या फिर कॉमर्स लिया है या फिर साइंस लिया है, किसी भी स्ट्रीम से हो आप, तो आप आर्मी की विंग में आप जा सकते हो। और अगर आप एयरफोर्स या फिर नेवी में जाने का सोच रहे हो तो उसके लिए आपको 10+2 के 12th का जो एग्जाम है उसमें आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। आप बिना फिजिक्स और मैथमेटिक्स के नेवी और आर्मी में नहीं जा सकते। तो इसका एक ये जो डिफरेंस है आपको याद रखना है कि अगर आपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स है आपका 10+2 में के 12th में, तभी आप एयरफोर्स और नेवी में जा सकते हो, अदरवाइज आप आर्मी में तो जा ही सकते हो। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं अगला कि एज लिमिट क्या है। तो इसमें आपकी एज होनी चाहिए 16.5 साल से लेके 19.5 साल के बीच में, और मैरिटल स्टेटस में आप अनमैरिड होना चाहिए और जेंडर आपका मेल होना चाहिए। जी हाँ, सिर्फ मेल कैंडिडेट जो कि अनमैरिड है और जिनकी एज 16.5 से 19.5 ईयर्स के बीच में है वही लोग इस एग्जाम को के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें कंडीशन भी ये है कि वो जो मेल कैंडिडेट हैं वो जब तक पूरी ट्रेनिंग नहीं हो जाएगी तब तक वो मैरिज भी नहीं करा सकते। अब हम बात कर लेते हैं नेशनलिटी और फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो नेशनलिटी है, जो भी कोई इंडियन नेशनलिस्ट है वो तो इसको दे ही सकता है। उसके साथ साथ जो लोग भूटान के हैं या फिर नेपाल के हैं या फिर तिब्बत के जो रिफ्यूजी हैं, मतलब वहां से वो यहाँ पर आकर बस गए हैं परमानेंटली इंडिया में, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, तो आपको करना क्या है, वहां पर यूपीएससी की जो upsc.gov.in की साइट है वहां जाकर आप विजिट कर सकते हैं इसको, अगर आपको कोई उसमें और नॉलेज चाहिए अगर आप इंडियन नेशनलिस्ट नहीं हो तो। और फिजिकल फिट पूरा होना चाहिए आपको, फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसमें दिए गए हैं, आप उस हिसाब से आपकी फिजिक होना चाहिए। आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए
आर्मी के लिए और 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए एयरफोर्स के लिए। और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है, कुछ छूट भी है उन लोगों के लिए जो कि नॉर्थ ईस्ट से आते हैं या फिर अंडमान निकोबार से हैं या फिर हिली एरिया से हैं, क्योंकि जनरली उनकी हाइट कम होती है, तो उसके लिए भी आप यूपीएससी की साइट पे जाकर आप दे सकते हो। इसी हिसाब से आप ओवरवेट और अंडरवेट भी होने चाहिए। हाइट के हिसाब से आपका वेट 46 kg से लेकर 49 kg के अराउंड होना चाहिए। और मेन चीज इसमें है आपकी चेस्ट, जो कि वेल डेवलप्ड चेस्ट होनी चाहिए, और वेल डेवलप्ड चेस्ट का इसमें पैरामीटर है 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट का मेजरमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ वो एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, मतलब उसमें आप सांस भरें तो 5 सेंटीमीटर तक वो एक्सपेंड होनी चाहिए। और इन सब के साथ साथ आपको विजुअली भी फिट होना चाहिए, मतलब आपकी आंखें बिल्कुल 6x6 होनी चाहिए। और अगर आपको रात में दिखता नहीं है या कम दिखता है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वो आपको है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और इसमें ये भी याद रखें, अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को भी अगर नाइट ब्लाइंडनेस है तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं है। जी हाँ, अगर आपके पेरेंट्स को है या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को है, आपके रिलेशन में जो है ब्लड रिलेशन में उनमें है किसी को, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और उसके साथ साथ आपको कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम मेन बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। तो एग्जाम में जैसे कि हमने पहले बताया, इसमें रिटन एग्जाम में दो पार्ट होते हैं, एक एमएटी होता है, दूसरा जीएटी होता है। एमएटी में मैथ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें मैथ्स के ही क्वेश्चन आते हैं, और जीएटी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएटी, इसमें अराउंड 120 क्वेश्चन आते हैं और जिसका वेटेज मतलब जिसके मार्क्स 300 मार्क्स है, और ये आपको 2.5 घंटे में देना पड़ता है, मतलब 2.5 आवर में आपको ये 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स के देने हैं, जो कि मैट का एक सेपरेट क्वेश्चन आएगा। और याद रखिए नेगेटिव मार्किंग भी है दोनों एमएटी में भी और जीएटी में, तो 0.33% है। और दूसरा एग्जाम होता है जीएटी का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सिर्फ इंग्लिश के ही 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जी हाँ, इसमें भी इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, और 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जीके के। जीके में सब कुछ आएगा, आपका साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी, इसमें सब कुछ पूछा जाएगा। उसका सिलेबस क्या है हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से इस टोटल मार्क्स जो हो गए हैं वो 900 मार्क्स हो जाएंगे, 300 मैथमेटिक्स के, 200 इंग्लिश के और 400 जीके के। और इसके साथ साथ एक इंटरव्यू भी होगा जो कि अकेले 900 मार्क्स का है। तो इंटरव्यू में कैसे क्या पूछा जाए इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये जो टोटल हो जाएगा ये 1800 हो जाएगा, तो 1800 के टोटल के हिसाब से आपका पूरा एग्जाम होगा, रिटर्न प्लस इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि जीएटी में आखिर पूछा क्या जाएगा। तो जीएटी में जो पूछा जाता है वो है इंग्लिश और जनरल, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। इंग्लिश में आपको वही पूछा जाएगा, एक कॉम्प्रहेंसिव आएगा, जंबल सेंटेंस आएंगे, रीअरेंज करने को आएगा आपको, आपको एंटीनम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, इन सब के यूज करने आएंगे। तो इस हिसाब से आपको इंग्लिश की भी बहुत अच्छी से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इस अकेले सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आएगा जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में आपको कवर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स, मतलब सब एरिया से आपसे पूछा जाएगा। आपको साइंस भी पूछी जाएगी और सोशल साइंस भी पूछी जाएगी, इसलिए आपको इसकी बराबर प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप हिस्ट्री और जियोग्राफी को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, और अपने जो आपका स्ट्रांग साइड है साइंस उसको और स्ट्रांग करें, और करंट अफेयर्स दोनों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में जो आपके देश में अभी जो भी चल रहा है हाल फिलहाल में, उसके पिछले 6 मंथ की डिटेल आपसे पूछी जाती है। और हम जान लेते हैं कि मैथ्स में क्या क्या आता है। मैथमेटिक्स का एक सेपरेट पेपर होता है जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें भी अराउंड वही टॉपिक आते हैं जो कि 11th और 12th में आपने मैथमेटिक्स के लिए पढ़े होते हैं। जैसे कि इसमें आता है ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट्स, वेक्टर एल्जेब्रा,
इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ टू एंड थ्री डायमेंशंस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये सब जो जनरल टॉपिक हैं, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। तो आपकी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप किसी को भी पहले और किसी को बाद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स बहुत स्कोरिंग रहता है, इसलिए आपकी इस बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। और अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम इस हमारा एग्जाम क्लियर हो गया तो अगला हमारा राउंड होगा वो इंटरव्यू राउंड होगा। हाँ जी, आपको रिटर्न एग्जाम देने के बाद एक इंटरव्यू टेस्ट भी देना पड़ेगा। ये भी टेस्ट दो स्टेज में होता है, स्टेज वन और स्टेज टू में। जो स्टेज वन होती है उसमें होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, इसको बोलते हैं OIR। इसमें आपका इंटेलिजेंस चेक किया जाता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने जल्दी आप किसी चीज को, आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है, आप किसी चीज को कितने अच्छे समझते हो। उसके साथ आपको इसमें पूछा जाएगा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। कोई भी आपको पिक्चर दी जाएगी उसके बारे में आपसे पूछा है कि इसमें आपको इस पिक्चर से पढ़ो, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो इस पिक्चर को देख के। और फिर हो सकता है आपको एक पिक्चर बनाने के बोल दें कि ये ऐसी एक डिटेल है, इसके ऊपर एक पिक्चर बनाओ, ताकि जो भी जनरल आदमी उसको देखने पर तो ये पिक्चर लगे, लेकिन जो आपका साथी है वो उसमें से डिकोड कर ले कि आप क्या इन्फॉर्मेशन उसको देना चाहते हो। हिसाब से पहले स्टेज में दो टेस्ट हो जाएंगे। और जो दूसरी स्टेज है उसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा और ग्रुप टेस्टिंग होगी और साइकोलॉजी टेस्ट लिया जाएगा आपका। जी हाँ, आपको पर्सनल इंटरव्यू में आपको चेक किया जाएगा कि पूरी डिटेल लेंगे कि आपका सोचना कैसा है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है। ग्रुप टेस्टिंग में आपको देखेंगे कि आप ग्रुप में बैठ के, जब कोई कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, ग्रुप में बैठे हो, तो आप कैसे डील करते हो, आपका बिहेवियर कैसा होता है, इन सब के बारे में वो आपको जज करेंगे। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखें कि जो भी वहां पर जज बैठे होते हैं वो अपने उस एरिया के बहुत अच्छे प्रोफेशनल होते हैं। मतलब आपकी साइकोलॉजी जो टेस्ट करने वाला होगा वो एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट होगा। जो आपकी GD जब ग्रुप टेस्टिंग जो ऑफिसर टास्क है उसको टेस्ट कर रहा होगा, तो वो उसका जजमेंट बहुत अच्छा होगा, वो बिहेवियर बहुत आपसे अच्छे से जज करेगा कि आप ग्रुप में कैसे बिहेव करते हो, किसी की बात पे कैसे रिस्पॉन्स करते हो, किसी दूसरे की बात को वैल्यू देते हो कि नहीं देते हो, कि अपनी ही बात को आप हमेशा पुट करना चाहते हो, दूसरे की बात को सुनते हो कि नहीं। ये सब चीजें आपकी जज की जाएंगी। तो एग्जाम के तैयारी के साथ साथ आपको मेंटली भी इंटरव्यू के लिए तैयार होना पड़ेगा, ताकि वो आपका बिहेवियर वैसा हो जाए। इसलिए आप एग्जाम के साथ साथ अपना बिहेवियर को अच्छा बनाएं और अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, अपने IQ को बढ़ाएं। अब अगर आप रिटर्न एग्जाम में भी सिलेक्ट हो गए और इंटरव्यू सिलेक्ट हो गए, तो उसके बाद क्या आपको सीधा आपको फोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, आप सीधे सोल्जर बन जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, NDA एकेडमी में एडमिशन मिलेगा। NDA एकेडमी में आपको पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, वहाँ पे आपको 3 साल पढ़ाया जाएगा और वहाँ आपके जो सब्जेक्ट के हिसाब से आपको डिग्री दी जाएगी, BA की, BSc की या फिर BTech की, जो भी आपका ब्रांच है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपने 10+2 में किया है, जब वहाँ पे आप जिस हिसाब से क्वालिफाई करते हो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको डिग्री दी जाएगी। JNU के थ्रू वो डिग्री आपको दी जाती है। इसके 3 साल के बाद एक और साल होगा जो कि आपकी एज अ कैडेट, जो कि है आप जिस फोर्स में जाना चाहते हो, आर्मी में, नेवी में या फिर एयरफोर्स में, उस हिसाब से उसकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग होगी। मतलब अभी तक जो आपने 3 साल जो किया है वो आपकी एकेडमिक के साथ साथ आपकी फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्टेटस को बढ़ाने के लिए है। अब आपको एज अ सोल्जर कैसे कैसे क्या करना चाहिए, अगर आप आर्मी में जाते हो तो 1 साल के लिए उसकी IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपको वहां के ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे आप अगर नेवी में जाना चाहते हो तो नेवल एकेडमी भी 1 साल की आपको नेवी की ट्रेनिंग दी जाएगी, और ऐसे ही सेम आपको ट्रेनिंग दी जाएगी यदि आप काय में जाना चाहते हो, एयरफोर्स में जाना चाहते हो, यहाँ पर 1 साल से लेकर
1.5 ईयर के अराउंड आपकी ट्रेनिंग होगी, और ये जो 1 साल की ट्रेनिंग है इसके दौरान आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। लेकिन याद रखें, स्टाइफंड जब आपकी स्टडी हो रही है, आप 3 साल का डिग्री कोर्स करो, उस समय नहीं मिलेगा। और अब हम मेन बात कर लेते हैं पे स्केल की। यहाँ पे स्केल बहुत अच्छा है, जो कि अराउंड 50,000 से चालू होकर 90,000 के आसपास होता है। तो किसी भी जो बिगिनर्स है, जो कि फ्रेशर जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए पे स्केल बहुत अच्छा है। और वो जो आपको खुद पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको इतना अच्छा पे स्केल दे रहे हैं। कोई MNC आपको खुद पढ़ाकर उसके बाद आपको ट्रेनिंग देकर इतना अच्छा पे स्केल एक फ्रेशर को नहीं देगी। तो ये बहुत अच्छा पे स्केल है जिसके लिए आप इसमें जा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। अगर हमें आपने मन बना लिया है कि NDA का एग्जाम देना है ना, मुझे एयरफोर्स में जाना है, मुझे नेवी में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, तो इसमें जाने के लिए क्या कहते पढ़ना है ये तो हमने बता दिया। लेकिन इसमें पता कैसे चलेगा कि कब हमें फॉर्म भरना है, तो इसके लिए आप ये इम्पोर्टेंट डेट्स नोट कर लें। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये जो एग्जाम है UPSC कंडक्ट कराती है, तो इसका नोटिफिकेशन साल में 2 बार आता है, क्योंकि ये एग्जाम साल में 2 बार होता है। जो नोटिफिकेशन आता है वो UPSC की वेबसाइट पर आता है, जो कि है upsc.gov.in। तो जो NDA 1 है उसका जो नोटिफिकेशन अराउंड जनवरी के फर्स्ट वीक में आता है, और NDA 2 का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में आता है। ऐसे ही इसको फॉर्म जो अवेलेबल होते हैं नोटिफिकेशन के साथ साथ ही ये फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो जैसे जनवरी में नोटिफिकेशन आए तो जनवरी में मिल जाएंगे, अगस्त में आए तो अगस्त में ही मिल जाएंगे। इसके ही साथ साथ अराउंड 1 मंथ आपको इन फॉर्म को भरना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है, या जिसको अपलोड करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑनलाइन भरे जाते हैं। ऐसे ही अगस्त से सितंबर के बीच में आपको अराउंड 1 मंथ का टाइम मिल जाएगा इनको फॉर्म को भरकर अपलोड करने के लिए। और ये जो एडमिट कार्ड आएगा इस एग्जाम के लिए, आपके जब भी एग्जाम की डेट आएगी उससे 10 दिन पहले आपको इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो एग्जाम होते कब है, जो NDA 1 है वो अप्रैल के अराउंड होता है, जो कि 3rd वीक ऑफ अप्रैल में जनरली होता है। इसमें आगे पीछे भी डेट हो सकती है। ऐसे ही जो NDA 2 है वो नवंबर के 3rd वीक के संडे को आता है, ऐसा फिक्स है। लेकिन कोई उसमें अगर कोई चेंज होगा तो वो आपको नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा। और ये जो इसके जो रिजल्ट है वो मई के 2nd वीक में आ जाता है NDA 1 का, और 3rd वीक ऑफ दिसंबर में NDA 2 का आ जाता है। तो ये डेट्स आप नोट कर लें, और बहुत जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए उसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। और UPSC की साइट भी जरूर विजिट कीजिए, वहां पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन और भी मिल जाएगी कि फॉर्म कैसे कैसे भरना है, क्या क्या भरना है। और आप वेट मत कीजिए कि जब भी आप नोटिफिकेशन आएगा फिर उसके बाद तैयारी चालू करेंगे, तैयारी आप अभी से चालू कर दीजिए। और ये भी देख लीजिए कि वहां पे फॉर्म भरने के लिए हमें क्या क्या हमें डिटेल चाहिए, तो ये सब चीजें आप अभी से तैयार करके रख लीजिए। फिर जब भी नोटिफिकेशन आएगा within 1 or 2 days आप इसको भर दें और आप टेंशन फ्री हो जाएं। फिर जब आप फॉर्म भरेंगे नहीं, आपका आधा दिमाग उसमें रहेगा फॉर्म भरा नहीं भरा, और फिर उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो मांगी जाएंगी जो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी। तो क्या क्या वहां पे पूछ मांगा जाता है ये भी आप डिटेल इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें, उन सब चीज को एक साथ इकट्ठा करके रख लें। क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरने बैठे तो आप हर चीज को अप टू डेट भर के, और आपको तभी के तभी आप जल्दी जमा कर दें और वापस अपना कंसंट्रेशन अपनी स्टडी पे कर लें। अब हम बात आती है कि हमने फॉर्म भी भर दिया, प्रिपरेशन के लिए सिलेबस है पता चल गया, एग्जाम पैटर्न पता चल गया, तो इसकी तैयारी कैसे करें। इसकी तैयारी का सिर्फ सबसे अच्छा जो फंडा है, आपको सबसे पहले दिमाग से कूल होकर इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और फिजिकली फिट होकर इसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप फिजिकली फिट हो गए, दिमाग आपका ठंडा होगा, तो आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं, सिर्फ NDA एग्जाम ही नहीं। तो सबसे पहले अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए आपको, सिलेबस जैसे हमने बताया, और भी आप इसकी साइट पर जाके विजिट कर लें। तो ये सिलेबस है उसको पूरा देख लें कि क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, कम पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। तो हमें पूरा एक सिलेबस है वो हमें पता होना चाहिए कि जनरली कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी देख लेने चाहिए कि कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। तो वो पूरा आप डिटेल इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, और जो जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो NDA हो चाहे दूसरा, उसके 100% एफर्ट लगा के उसकी तैयारी करें। और साथ साथ जो भी आपको रेफरेंस मटेरियल है जो कोचिंग क्लास प्रोवाइड कराती है या कहीं से बुक मिलती है, उस रेफरेंस मटेरियल को अच्छे से स्टडी करें और अच्छे से हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें।
और एक चीज और याद रखें, जो लास्ट ईयर हैं उससे पुराने जो भी हमारे पास जो इसके क्वेश्चन पेपर हैं उनकी आप प्रैक्टिस जरूर करें। बहुत सारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, यूपीएससी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, और हर चीज को फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते चले ताकि आप कोई भी चीज भूले नहीं, कोई भी चीज आपसे छूटे नहीं। और हाँ दोस्तों, एक चीज याद रखो, क्योंकि इंटरव्यू में आपकी जो रहेगी मेंटल स्टेटस देखा जाएगा, और फिजिकल फिटनेस में आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। तो आप स्टडी करते समय अपना मेंटल भी कूल रखें, मैं अपने फिजिकल फिटनेस भी बनाए रखें। ऐसे नहीं आप सिर्फ पढ़ने पढ़ने में, आपके फिजिकल हेल्थ अगर आपकी डाउन हो गई तो आप फिजिकल फिटनेस में फेल हो जाओगे। तो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दें, अपने मेंटल पर भी ध्यान दें, और स्टडी पर ध्यान तो देना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।